मतलब सब सब ये लोग एएनएम के छात्र है। सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज पढ़ा के रोड जला दूंगी, उसको घर में नहीं रखना, कलम से हो, जल्दी करो जल्दी करो। अप्रैल लेके आई हूँ घर से सुबह 5 बजे, खाना बना के लेके आया, हो सकता है रुकना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लिए, ये सभी स्टूडेंट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और अपनी मांगों को लेके आज पटना के सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, हम लोग को काउंसलिंग भी हो गया है, तो फिर मेरा सूची क्यों नहीं सरकार जारी करके हम लोग को ज्वाइनिंग करवा रहा है। दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए, आज से 2 दिन पहले ही पटना हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट जारी किया है और पटना हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से बोल दिया है जिस न्यायालय पर वैकेंसी जारी हुआ उसी न्यायालय पर वैकेंसी क्लियर, मतलब 2018 के न्यायालय पर वैकेंसी आया BTCNM 10709 पोस्ट की वैकेंसी उसी न्यायालय पर वैकेंसी क्लियर हो। बीच में 2023 के न्यायालय लगा दिया था सरकार, तो उसके लेके हमारी बहन धरना प्रदर्शन की, टोटल 35 दिन गर्दनी बांग में धरना स्थल पर बैठी रही, एक भी पॉलिटिक्सन लीडर नहीं आया मिलने के लिए, एक भी नेता लीडर नहीं मिलने के लिए आया। उसके बाद BTC आयोग, स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय के घेरा, उसके बाद आपको कहते CM आवास, फिर भी कहीं कोई नहीं सुनने का तैयार हुआ। उसके बाद पटना हाईकोर्ट के हम लोग शरण लिए और पटना हाईकोर्ट में हम लोग को सिंगल मैच में जीत मिली, सरकार नहीं मानी, LPF फाइल कर दिए डबल मैच में और 29 को डबल मैच में हम लोग को जीत मिली है। और सरकार अभी 2018 के न्यायालय पर यह वैकेंसी क्लियर कराने के लिए कल मीटिंग भी हुआ था और मीटिंग में भी मंगल पांडे जी स्पष्ट रूप से बोल दिए जल्दी ये वैकेंसी क्लियर करवाइए ताकि हम न्यू वैकेंसी लेके आएंगे। और ये क्वालिफाइड स्टूडेंट ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने से कुछ मिलेगा? क्योंकि ये पटना हाईकोर्ट का फैसला और उसको कोई नहीं बदल सकता, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग चल जाएगा फिर भी नहीं बदल सकता है। इस नया जो नियमावली पर ये वैकेंसी आया उसी नियम पर वैकेंसी क्लियर हो और इसको कोई नहीं बदल सकता। स्पष्ट रूप से जजमेंट में लिखा हुआ है, टोटल 50 पेज का जो जजमेंट है, 42 पेज से लेके 49 पेज तक पढ़ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही पटना हाईकोर्ट जजमेंट दिया, इसलिए ये कहीं नहीं चेंज होगा। अभी देख लीजिए हाल फिलहाल, आप देखिए 8 साल वैकेंसी को हो गया था पश्चिम बंगाल में और कोलकाता हाईकोर्ट जो 8 साल वैकेंसी को रद्द किया नियमावली को लेकर। देखिए अभी जो है झारखंड सरकार, झारखंड सिपाही भर्ती का वैकेंसी नियमावली को लेकर जो है
उसको क्लियर किया गया। तो नियमावली में सरकार खुद फंस रही है, इसलिए धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले हम लोग धरना प्रदर्शन करके बैठ चुके हैं, हमारी बहन धरना प्रदर्शन करके बैठ चुकी है। बाकी इन लोग को अपना काम है करने दीजिए, इन लोग अपना अधिकार है मांगने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है और नहीं हमें उससे लेना देना है। बस आज जो अपडेट निकल के आई है वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। जो आप देख लीजिए क्वालिफाइड स्टूडेंट पटना के सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग को अपना मांग है करने दीजिए, सरकार से अपना मांग कर रहे हैं करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी यही अपडेट निकल के आई है, हमारी 32,000 एन एम वन को घबराना नहीं है, क्योंकि ये भाई उनके साथ है, हमारी टीम आप लोग के साथ, इसलिए थोड़ा भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तो हम लोग भी पटना हाईकोर्ट में शरण लिए ही और पटना हाईकोर्ट से हम लोग को जीत मिली है, और पटना में हम लोग भी जाएंगे जब समय आएगा, तो BTC ऑफिस भी जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग भी ऑफिस जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, जब जो अपडेट आएगा हम आपके बीच रखेंगे। इसलिए थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या होगा वैकेंसी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वैकेंसी 2018 के नियमावली पर क्लियर होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है तो आप अभी भी लिख लीजिए, अपने भाई के बात अभी भी लिख लीजिए, कुछ नहीं होगा। अगर इन लोगों के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाता है तो वहाँ भी हम लोग को जीत मिलेगी, क्योंकि यहाँ नियमावली की लड़ाई है, स्टूडेंट की इसमें कोई रोल नहीं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी देने वाले, चाहे हो कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही BTC NM 10709 पोस्ट की रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट लेके आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।